नमस्कार, नजर में देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबर। सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन अखंड का एक प्रतिनिधि मंडल युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौधरी के नेतृत्व में हकीकत नगर स्थित धरना स्थल से प्रदर्शन करते हुए पहुँचा, जिसमें उन्होंने 51 दिन से चल रहे 3 कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग को लेकर धरने में शहीद हुए 70 किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया तथा भारतीय किसान यूनियन अखंड द्वारा 6 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के न होने पर सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा राष्ट्रपति को सम्मानित किया। पत्रकारों से बात करते हुए युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौधरी ने बताया कि कृषि कानूनों के खिलाफ लाखों किसान 51 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं, जिसमें 70 किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार के किसी भी नेता ने किसानों की शहादत पर शोक नहीं जताया है, जो बड़ी दुख की बात है। भारतीय किसान यूनियन अखंड शहीद किसान भाइयों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है और सरकार से मांग करती है कि 70 शहीद किसानों को शहीदी का दर्जा दिया जाए और भारतीय किसान यूनियन अखंड अपनी 6 सूत्रीय मांग रख रही है, जिसमें कृषि के 3 बिलों को वापस लिया जाए। शारिक जफर की खास रिपोर्ट। न्यूज देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आज ये जो 3 काले कृषि कानून हैं, उसके विरोध में भारतीय किसान अखंड का धरना प्रदर्शन था, उसी के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। जब तक 3 कृषि बिल वापस नहीं होंगे, किसान जो है बिल्कुल चैन से बैठने वाला नहीं है। इसमें कृषि बिलों के विरोध में हमारे दिल्ली बॉर्डर पर लगभग 70 किसान भाई शहीद हो गए, लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के पास इतना टाइम नहीं है कि दुख प्रकट कर सकें, शोक व्यक्त कर सकें, तो उसका हमें अन्नदाता को बहुत खेद है। जब तक कृषि बिल वापस नहीं होंगे, हमारा किसान भाई वहाँ डटा रहेगा, चाहे 6 महीने हो जाए।